हेलो नमस्ते, मैं धीरज शर्मा। आज आपको कक्षा 10 के लिए हिंदी व्याकरण में वाक्य चैप्टर पढ़ा रही हूँ। हमें पता है कि कक्षा 10 में हिंदी में रचना के आधार पर वाक्य के भेद लगे हुए हैं। 9वीं कक्षा में आपने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ लिए हैं। अब रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले आता है इसमें सरल वाक्य। सरल वाक्य इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जिस वाक्य में केवल एक विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। इसमें कर्ता उद्देश्य तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन विधेय केवल एक ही रहेगा। जैसे राम, श्याम और मोहन, यहाँ पर उद्देश्य तो बहुत सारे हैं लेकिन विधेय केवल एक ही है। तो जिस वाक्य में केवल एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। दूसरे नंबर पर है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होगा? जब दो वाक्य आपस में मिलते हैं, किसकी सहायता से जुड़े होते हैं, किसकी सहायता से? समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय की सहायता से जुड़े होते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। और जो समानाधिकरण समुच्चयबोधक शब्द हैं, वो कौन कौन से होते हैं? और, तथा, किंतु, परंतु, पर, लेकिन, या, अथवा, ये शब्द जो हैं, जहां पर भी आ जाएंगे। अगर हम वाक्य देखें कि राम पढ़ता है तथा श्याम खेलता है, इस वाक्य में तथा या और शब्द यहाँ पर लगा दें तो यहाँ दो वाक्य तथा तथा मतलब समानाधिकरण समुच्चयबोधक की सहायता से जुड़ा है। जब दो वाक्य समानाधिकरण समुच्चयबोधक की सहायता से जुड़े हों तो वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। और रचना के आधार पर वाक्य का तीसरा भेद क्या है? मिश्रित वाक्य। जब वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य किसी व्यधिकरण समुच्चय बोधक की सहायता से जुड़े हों। अब बच्चों को व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द चूंकि, तथापि, यद्यपि, यदि तो, नहीं तो, कि, ये शब्द जो है वो मिश्रित वाक्य में आएंगे। अब अगर आपको ये मैं अभी बताऊंगी इसमें कि अगर आपको मिश्रित वाक्य में शब्दों की पहचान ना हो तो हमने जो समानाधिकरण समुच्चयबोधक शब्द पढ़े हैं उनके अलावा जो शब्द आएंगे वो व्यधिकरण समुच्चयबोधक शब्द में आ जाएंगे, मिश्रित वाक्य में आ जाएंगे। इसकी डेफिनेशन बन जाएगी जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य व्यधिकरण समुच्चयबोधक की सहायता से जुड़े हों वहां पर मिश्रित वाक्य होता है। जैसे राम ने कहा कि, देखो यहाँ पर समुच्चय बोधक शब्द है। राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, तो यहाँ एक प्रधान उपवाक्य, इसके दूसरी डेफिनेशन भी हो सकती है। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य होते हैं वहां, और दोनों ही प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य किसमें रहेंगे? केवल मिश्रित वाक्य में ही ये होते हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। ये तो है वो हिस्सा जो हमारे सिलेबस में आने वाला है। अब इसका बेसिक मैं पहले करा देती हूँ। जैसे अगर हम पढ़ते हैं अ, हिंदी भाषा में अ क्या है, कौन सी व्याकरणिक इकाई है, तो इसे हम कहते हैं वर्ण, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब यदि हम अ प्लस ब प्लस अ इनको मिलाकर लिख देते हैं तो क्या बन जाएगा वो? अब ये एक शब्द बन जाता है। व्याकरण में वर्णों का सार्थक मेल, सार्थक मतलब मीनिंगफुल, वर्णों का सार्थक मेल जो है वो शब्द बन जाता है। और अगर यूं कहा जाए कि अब पढ़ा जाए तो यहाँ पर शब्दों का सार्थक मेल क्या बन जाएगा? वाक्य बन जाएगा। शब्दों का सार्थक मेल वाक्य कहलाएगा। सार्थक का मतलब फिर वही बात, कैसे? अगर हम यहाँ पर ब प्लस अ लिख देंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। अगर ये ब अ अ ये बनेगा शब्द तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, अर्थ नहीं निकलेगा। इसीलिए यहाँ पर सार्थक शब्द का प्रयोग किया गया है। अब जैसे यहाँ पर जाए पढ़ा अब,
तो यहाँ पर अगर हम इनको इसमें इस ऑर्डर में लिख देंगे इन शब्दों को, तो इनका कोई सही अर्थ नहीं निकलता। सही अर्थ निकलने के लिए कब निकलेगा सही अर्थ? हिंदी भाषा में जो वाक्य की फॉर्मेशन होती है, वाक्य की बनावट होती है, किस प्रकार से वाक्य को बनाया जाता है, तो उसमें सबसे पहले कर्ता आता है, फिर उसके बाद कर्म और फिर उसके बाद क्रिया होती है। कर्म का कोई कंफर्म नहीं होता कि हर वाक्य में कर्म हो ही हो, ये ऑप्शनल है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कर्ता और क्रिया, किसी भी वाक्य में कर्ता और क्रिया अवश्य होते हैं, ये दोनों कंपल्सरी होते हैं। जैसे अगर यहाँ कोई खड़ा है और वो पूछ रहा है कि मैं बाहर जाऊं, मैंने कहा जाओ, तो जाओ जो है ये एक शब्द ना होकर पूरा वाक्य है। कैसे है वाक्य? कोई ना कोई तो है जिसको ये कहा जा रहा है कि तुम जाओ, यहाँ पर कर्ता छिपा हुआ है, इसीलिए यहाँ कहा गया है कि जाओ जो है ये एक वाक्य है। तुम जाओ, इसके लिए ये कहा जा सकता है तुम जाओ। तो वाक्य क्या होता है? जिसमें एक कर्ता होगा और एक क्रिया होगी। कर्म हो ना हो कोई जरूरी नहीं होता है। वाक्य के अंग, वाक्य के सबसे पहले मैंने बताया वाक्य क्या है, वो शब्दों का सार्थक मेल वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक मेल वाक्य कहलाता है। वाक्य के कितने अंग होते हैं? दो अंग होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। दो अंग, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में बात की जाए, विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम विधेय कहेंगे। उद्देश्य क्या होगा? जिस संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बात की जाए या जिसके बारे में बात की जाए उसे हम उद्देश्य कहेंगे, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए उसे विधेय कहेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, अगर यूं कहें नेता जी भाषण दे रहे हैं, तो यहाँ पर किसके बारे में बात की गई है? नेताजी के बारे में बात की गई है। नेताजी भाषण दे रहे हैं, तो जिसके बारे में बात की गई है उसे हम कहेंगे उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बताया गया है वो सारा कहलाएगा विधेय। अब बात आती है, अगर हमारे पास में एक होता है उद्देश्य और एक होता है उद्देश्य का विस्तार, लेकिन हमारे सिलेबस में इतना ज्यादा इसके बारे में नहीं पूछा जा रहा, यहाँ पर सिर्फ ये पूछा जा रहा है। अगर यूं कहें कि वीर हनुमान राम भक्त थे, तो किसके बारे में बात की गई है? हनुमान के बारे में बात की गई है। हनुमान के बारे में जो कुछ भी विशेषता बताई जाती है वो उससे पहले जो रखी गई है वो उसके जे उद्देश्य की विशेषता है, उद्देश्य विशेषण है, इसको इससे पहले रखा गया है, ये इसके साथ ही आएगा, इसे हम उद्देश्य बताएंगे, ये उद्देश्य हो।